हाय फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार स्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक फोटोशॉप के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशंस के बारे में, अप्लाई इमेज के बारे में, डुप्लीकेट्स के बारे में, इन सभी के बारे में। दोस्तों, कैलकुलेशन कैलकुलेशन नाम मैथमेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा हम लेते हैं, जहाँ पर हमें कुछ गणना करनी रहती है, कुछ हिसाब किताब का काम करना रहता है। तो फोटोशॉप के अंदर आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन। फोटोशॉप के अंदर किस चीज़ की हम कैलकुलेशन करेंगे? चैनल्स की। तो फोटोशॉप के अंदर हम चैनल्स की, कलर्स की, इन सभी की कैलकुलेशन करते हैं। और इसका यूज हम फोटोशॉप के अंदर, कैलकुलेशन का यूज हम कर सकते हैं फोटो वगैरह की सिलेक्शन के अंदर, कटिंग करने के लिए भी ले सकते हैं, फोटो के अंदर टोन एडजस्टमेंट करने के भी ले सकते हैं। चैनल के बारे में इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो चैनल्स के वीडियोज़ के अंदर। तो आप चैनल्स के बारे में अगर और अधिक जानना चाहते हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। आज इस वीडियो के अंदर चैनल्स के बारे में ही, अप्लाई इमेज और कैलकुलेशन के अंदर यही टॉपिक करने वाला है। तो देखिए, फोटोशॉप सीसी 2015 है हमारे पास में। इमेज मेन्यू के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर आता है कैलकुलेशन। उससे पहले हम ये डुप्लीकेट देख लेते हैं। डुप्लीकेट से क्या कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो अनटाइटल 2 रिकॉर्ड है ये क्या होगा, कॉपी हो जाएगी इसकी। यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से। इसी डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन जो कि अभी ऑन है, डुप्लीकेट मर्ज्ड लेयर्स ओनली। यहाँ पे अभी ये एक ही लेयर है, बैकग्राउंड है। अगर यहाँ पे खूब सारे लेयर्स होते तो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को अगर ऑन करते तो मर्ज करके एक ही लेयर बना करके फिर ये डुप्लीकेट क्रिएट करता। ऑफ करते तो जैसी डॉक्यूमेंट थी उसी को डुप्लीकेट कर देता। तो हम ओके करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट ये देखिए न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से ये डुप्लीकेट तैयार हो गई यहाँ पे। और उसके बाद में हम बात करते हैं कैलकुलेशंस के बारे में। ये है कैलकुलेशंस। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि लेयर पैनल के पास में यहाँ पे चैनल्स हैं और नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आप विंडो के अंदर जा करके यहाँ से चैनल्स को ऑन कर सकते हैं। चैनल्स क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैनल दिखाई देंगे। यहाँ पे चैनल्स आर जी बी रेड ब्लू ग्रीन है। और जैसे कि हम इसके बारे में पहले ही देख चुके हैं कि रेड चैनल है, ग्रीन चैनल है, ब्लू चैनल है। इन चैनल्स की मदद से हम फोटो के अंदर कलर करेक्शन भी कर सकते हैं और सिलेक्शन भी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इनको ही आज हम कैलकुलेशन के अंदर देखेंगे। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, ब्लू चैनल है, ब्लू चैनल के अंदर अगर आप लेवल यहाँ पे कम या ज़्यादा करोगे, मैं यहाँ पे शेडो लेवल जो है इस पॉइंट को कम करता हूँ और इस पॉइंट को भी यहाँ से कम करता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ जो ऊपर की साइड में ब्लू कलर है वो कलर यहाँ पे लाइटिंग बढ़ाने से और शेडो यहाँ पर बढ़ाने से क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन के अंदर ये जो ब्लू कलर है वो इंक्रीज हुआ है। ये देखिए, और गहरा हो गया है कलर इस तरह से। तो हम इस फोटो के अंदर इस तरह से करेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, बिफोर एंड आफ्टर इस फोटो को आप देख सकते हैं, इतना डिफरेंस इस फोटो के अंदर आ गया है। तो ठीक यही चीज़ हम यहाँ पर कैलकुलेशन के अंदर काम में लेने वाले हैं। चैनल्स को यहाँ पर मैनेज करेंगे, चैनल्स के ऊपर कैलकुलेशन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में ये हमें दिखाई देता है सोर्स वन और सोर्स टू नाम से। सोर्स वन के अंदर ये डॉक्यूमेंट है और सोर्स टू के अंदर यही डॉक्यूमेंट है। लेयर के अंदर बैकग्राउंड लेयर है, यहाँ पर वही लेयर है और ये बैकग्राउंड लेयर। देखिए, कैलकुलेशन शब्द से जैसे हमें पता चल रहा है कि कैलकुलेशन शब्द का अर्थ है गणना करना, हिसाब करना इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम कुछ कैलकुलेशन ही करेंगे चैनल्स की। तो सोर्स वन और टू में, जैसे कि चैनल वन है, सोर्स वन है, इसके अंदर रेड मैंने चैनल ले लिया और चैनल टू के अंदर मैंने ब्लू ले लिया। तो इस तरह से हमें वैल्यू दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड जो कैलकुलेशन करते हैं उसके अंदर ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड वो सब ऑप्शन आते हैं, वो ब्लेंडिंग के अंदर यहाँ पर है। आप दो सोर्स लेकर के, सोर्स वन और टू, फिर उनको यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ऐड करेंगे तो इस तरह से दो चैनल एक दूसरे के साथ में ऐड होकर के हमें यहाँ पर दिखाएगा। सबट्रैक्ट आप कर सकते हैं, सबट्रैक्ट और ऐड का ऑप्शन यहाँ से ऑन होगा तो यहाँ पर ऑफसेट और स्केल के नाम से आपको एक्स्ट्रा दो ऑप्शन और दिखाई देंगे। जैसे मैं ऑफसेट को इंक्रीज करता हूँ, लाइट यहाँ पे इंक्रीज हो रही है और इसी तरह से स्केल भी आप यूज़ में ले सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मास्क का ऑप्शन है, आप यहाँ पे मास्क का यूज़ कर सकते हैं। चैनल्स के अंदर यहाँ पर नया मास्क क्रिएट हो जाएगा तो वो भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए रेड चैनल है, किसी भी फोटो के अंदर आरजीबी के अंदर रेड ब्लू ग्रीन तीन चैनल होते हैं और इसके अंदर रेड ब्लू ग्रीन और यहाँ पे आप ग्रे भी दिखाई दे रहे हैं।
और एक इनके सामने ऑप्शन रहता है इन्वर्ट का, इन्वर्ट से उल्टा, यानी कि रेड चैनल मैंने सेलेक्ट किया, इन्वर्ट मैं उसको करूँगा तो उससे इन्वर्स सिलेक्शन होगा, रेड का इन्वर्स स्यान जो रहता है वो सिलेक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। देखिए तो इन कैलकुलेशन के अंदर मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कि हम यूज में किस तरह से ले सकते हैं। अब इस फोटो के अंदर जो स्काई है, ब्लू है स्काई का कलर, उसको चैनल्स की मदद से हम यहाँ पर इरेज कर सकते हैं या फिर फोटो की कटिंग कर सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। क्योंकि अदरवाइज हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये यहाँ पे देखिए एक ट्री दिखाई दे रहा है, तो अगर हम पेन टूल लेकर के इसकी कटिंग करेंगे या फिर पेन टूल के अलावा पॉलीगन लासो टूल लेकर के यहाँ पे कटिंग करेंगे तो वो यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, उसमें टाइम भी लगेगा, तो इसकी हम सही तरह से कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो चैनल्स की मदद से इसकी कटिंग बहुत आसानी से और सही अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ऊपर वाले में कर देता हूँ ब्लू, ब्लू मैंने यहाँ पे कर दिया है। नीचे अगर मैं रेड करूँगा तो देखिए यहाँ पे प्योर वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्योर वाइट हो गया, नीचे ऊपर ब्लू आ गया। इन्वर्ट मैं रेड को अगर करता हूँ तो ये इन्वर्स हो जाता है, और ब्लू को अगर इन्वर्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह की तस्वीर हमारे सामने बनती है। यहाँ पर सबट्रैक्ट का ऑप्शन है, ऑफसेट से हम क्या करते हैं इसको थोड़ा ऊपर वाले को और ज़्यादा ब्लैक की तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए ट्री जिसके बारे में बता रहा था, यहाँ पर अच्छी तरह से इसका सिलेक्शन हो रहा है। और भी आप यूज़ कर सकते हैं ओवरले का ऑप्शन, जैसे यूज करना है यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर, ये देखिए हार्ड लाइट, हार्ड लाइट हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, रेड को इन्वर्ट करेंगे, इन सभी को हम इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो हमें इसका सिलेक्शन करना है, नॉर्मल अगर मैं करता हूँ तो ये इस तरह से, और हार्ड लाइट करता हूँ तो स्काई का अगर हमें सिलेक्शन करना है तो स्काई का सिलेक्शन अभी वाइट ये जो एरिया दिख रहा है इससे बहुत आसानी से हो गया है, नॉर्मल मैंने यहाँ पे कर दिया है, जिससे कि ये ब्लू कलर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। और फिर इसको ओके करेंगे, ओके करने के बाद में देखिए यहाँ पे अल्फा वन नाम से चैनल क्रिएट हो गया है, अल्फा वन नाम से, और लेयर्स के अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये एक तो इस वजह से है क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पर ब्लू को पूरी तरह से एक तरह से एडजस्टमेंट कर दिया था। अगर हम बैक जाते हैं और इसको हटाते हैं और उसके बाद में अब हम कैलकुलेटर के अंदर वापस जाएंगे तो ये सिचुएशन इस बार नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे आप ओवरले का इनका यूज़ कर सकते हैं। पिछली बार क्या किया था हमने, आपको पता है ब्लू जो चैनल है उसको पहले ही लेवल से एडजस्टमेंट कर दिया था, रेड भी ले सकते हैं, ग्रे ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। तो अब इस बार मैंने क्या किया, ब्लू को यहाँ पर लिया है, इस बार हम फिर ओके करेंगे, ओके करने के बाद में एलो बनना से अब इसको भी हम यहाँ से लेवल इसका एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पर इसके अंदर ब्लू कलर है, इसको हमें सिलेक्शन करना है, फिर ओके करेंगे, और उसके बाद में अल्फा वन जो है उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में इसका सिलेक्शन हो गया, लेयर के अंदर जाएंगे और इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पे मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे, सिलेक्शन हुआ हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक नया मास्क क्रिएट हो गया। कंट्रोल आई से मैं इन्वर्स करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कटिंग हो गई। अब मास्क को सिलेक्ट करके आप ब्रश टूल का यूज़ करते हुए ये जो कुछ कलर रह गया यहाँ से, आप इसको ब्रश टूल की मदद से ब्लैक कलर यहाँ पे सिलेक्ट करके इस तरह से यूज में ले सकते हैं, और फिर आप इस फोटो को इसको भी कटिंग कर के यूज में ले सकते हैं। अदरवाइज इसके मास्क के ऊपर क्लिक करें, कंट्रोल आई से इन्वर्स करेंगे तो ये स्काई भी आपको इस तरह से सिलेक्ट हुआ मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और फोटो है हमारे पास में, इस फोटो के अंदर भी हम इसी तरह से सिलेक्शन करते हैं, इमेज के कैलकुलेशन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर भी कैलकुलेशन करेंगे, रेड और इसके अंदर लाइनियर डोज इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ ताकि ये अच्छी तरह से सिलेक्शन होगा, ओके हम करेंगे। ओके करने के बाद में चैनल्स के अंदर आप अल्फा वन चैनल देख सकते हो, फिर इसको कंट्रोल एल से यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ सेकंड में आपके सामने कटिंग इसकी फोटो की हो रही है, ओके करेंगे, फिर इसके बाद में सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके लेयर्स के अंदर आएंगे और मास्क के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से क्रिएट होगा। यहाँ पे मास्क को कंट्रोल आई से इन्वर्स करेंगे तो इन्वर्स हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इस फोटो को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लेके आता हूँ, फोटो में यहाँ पर अगर लेके आऊँगा तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं,
इसके साथ में एक फोटो यहाँ से भी हम लेके आते हैं, इस फोटो को एक फोटो हम यहाँ से भी लेके आते हैं, ये देखिए इस तरह से बैक साइड में मैं दोनों फोटो को, और अब इन दोनों को हम अप्लाई इमेज से एक दूसरे के साथ ब्लेंड करेंगे। देखिए इस फोटो को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी कर दिया, तो इनमें से एक फोटो को हम सेलेक्ट करेंगे। इस फोटो को हमने सेलेक्ट किया लेयर वन को, और यहाँ पर जाएंगे अप्लाई इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो दूसरा लेयर है लेयर टू, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ से नॉर्मल और खूब सारे दूसरे ऑप्शन हैं जिनको यूज करते हुए हम इसको अप्लाई करेंगे। इस तरह से देखिए हार्ड लाइट है, हार्ड लाइट के ऊपर RGB, इसके यहाँ से कलर हम सेलेक्ट करके यूज में ले सकते हैं। RGB हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्केल ऑफसेट कितना हमें रखना है, इस तरह से फोटो को एक दूसरे के अंदर ब्लेंड कर सकते हैं। ओके करेंगे, ओके करने के बाद में देखिए इसके अंदर ब्लेंड हो गई है फोटो, ये देखिए इस फोटो के अंदर ये ब्लेंड हो गया इस तरह से। तो इस तरह से हम इसको यूज में ले सकते हैं। और यहाँ पर ये फोटो है इसका, इसको हम हाइड कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए एक नीचे और फोटो है, इसका जो ये पार्ट है इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ब्लैक पार्ट है इसको हम कैलकुलेशन से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके साथ में ब्लेंड भी कर सकते हैं। ये है बैकग्राउंड। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने इसको सिलेक्शन कर लिया, ब्लू रेड और स्क्रीन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, फिर इसके बाद में हम यहाँ पे एक नया अल्फा चैनल क्रिएट हो गया, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में लेयर्स के ऊपर वापस जाएंगे, और लेयर्स के ऊपर वापस जाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर जाने के बाद मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक मास्क आ गया है, इसको आप इस तरह से ऊपर से और सबसे ऊपर मैं इस फोटो को लेके आ गया हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इस फोटो को सभी को मिक्स करके मर्ज करके फोटो बनाई है। कंट्रोल L से आप इसको एडजस्ट यहाँ से करें, पूरी तरह से यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया है, फोटो मर्ज हो गई है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है देखिए ट्रैप नाम से, ये प्रिंटिंग के अंदर कई बार इसको यूज़ में लेते हैं जब फोटो के अंदर कहीं पर भी लाइनिंग वगैरह का डिफरेंस आ जाता है। देखिए किस तरह से, मैं एक हिंट बता रहा हूँ, हमेशा इसको यूज़ में नहीं लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, ट्रैप जो है इसको प्रिंटिंग में यूज़ में लिया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कुछ कलर्स मैं बना रहा हूँ, ये एक लेयर मैंने बनाया इस तरह से। अब इनके अंदर कई बार क्या होता है, यहाँ पर प्रिंटिंग के अंदर ये पिक्सल्स जो हैं इनके पास में जगह छूट जाती है या फिर ठीक से नहीं होते, तो उनको एडजस्ट करने के लिए लेते हैं। मान लीजिए हम इसको प्रिंटिंग के लिए यूज में लेंगे तो कैसे लेंगे, एडिट के अंदर जाएंगे, कन्वर्ट टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे CMYK के अंदर जो प्रिंटिंग प्रिंटर यूज में लेते हैं उस प्रोफाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में इमेज मेन्यू के अंदर जाएंगे और ट्रैप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कितने पिक्सल ट्रैप आपको करना है, देखिए मान ली 5 पिक्सल हम कर देते हैं, ओके करेंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से पिक्सल 5 पिक्सल अंदर और बाहर की साइड में ये एडजस्ट करता है। अब बेसिक फोटोशॉप के अंदर सभी के सभी टूल्स हमने देख लिए हैं, इमेज मेन्यू और उसके बाद में सिलेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए लेयर्स, नेक्स्ट वीडियो से हम लेयर स्टार्ट करेंगे। लेयर वैसे आधे से ज़्यादा वैसे ही हमने कंप्लीट कर लिया है साथ साथ में, लेकिन कुछ जो पार्ट लेयर के अंदर रह गए वो देखेंगे। बेसिक फोटोशॉप के अंदर आज बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ Google+ और Facebook जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू।